शाबाश, मस्त निशाना लगाया। तुमने इसकी साइज देखी? तुम्हारा लाइसेंस तो छोटे हिरन मारने का है ना? हाँ, लगता है तुम ज्यादा ही जोश में आ गए। तेरे जोश में बेचारा ये तो क्या, अब क्या करेगा तू? चलो अब जरा ट्रक को इधर ले आए, फिर इसे यहाँ से ले जाएंगे। ओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, पकड़े गए तो 3,000 का जुर्माना लगेगा। छोड़कर तो नहीं जा। वो खुद ही चला गया, कमाल हो गया। ए, अब तुम कहाँ जा रहे हो? उसे मारना जरूरी है, वरना वो बेकार में तड़पता रहेगा। छोड़ दे यार, हमें जाना है। Clacker? Yaya Basan. मुझे तुम्हारी मौत के जाने का बहुत अफसोस है। आप हमें इस मनहूस फ्यूनरल में क्यों लेकर आए? असल में हम तुम्हारे किसी रिश्तेदार को नहीं जानते, इसलिए हम तुम दोनों को अपने साथ नहीं रख सकते। तो अपना सामान बांध लो और उसके बाद मैं ब्रॉक को छोड़ दूंगा मिस्टर एंड मिसेस फ्लीगल्स के पास। और कह रहा आज रात तुम्हें सेंटर पर ही रहना होगा। ओके मिस्टर पॉलसन, हमें किसी की जरूरत नहीं है, मैं ब्रॉक की देखभाल कर सकती। कानून सबके लिए एक है कैरा, तुम उसकी गार्डियन बनने के लिए भी छोटी हो। और ये मत भूलो कि तुम्हारी मॉम कैसे गुजरेंगी। मैं ड्रग्स नहीं लेती मिस्टर पॉलसन, मेरी मॉम लेती थी, मैं नहीं। माहौल तो वही है ना, और ब्रॉक का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड बन चुका है। कहीं और चले जाएंगे, मैं नौकरी कर लूंगी। मुझे नहीं लगता तुम उसके लिए तैयार हो। हम दोनों अलग नहीं रहेंगे, प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखो कैरा, तुम्हें अपने डैड का अता पता भी तो नहीं मालूम ना? तब मैं 5 साल की थी, ब्रॉक को तो वो याद भी नहीं है। वेल आई एम सॉरी कैरा, लेकिन फ्यूचर में शायद मैं तुम दोनों के एक साथ रहने का इंतजाम कर सकता हूँ। ठीक है, आप गारंटी दे सकते हैं? हमें पार्किंग में थोड़ा टाइम लगेगा, आप थोड़ी देर बाद आ जाएगा?
ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ 1 घंटा, तैयार है ना? ओके हम कहाँ जा रहे हैं? क्यों पूछ रहे हो? मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने तुमसे पूछा? लेकिन मेरे सारे दोस्त यहाँ हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो तुम्हें फॉस्टर होम ले जा रहे हैं। अपने दोस्तों से कभी नहीं मिल पाओगे और ना मुझसे। तुम यही चाहते हो कि वो हमें अलग कर दे? क्योंकि यही होने वाला है अगर हम यहाँ से नहीं भागे। बहुत बुरे हैं वो। सामान भरो। मॉम की गाड़ी की चाबी। आई होप वो गाड़ी अभी भी वही है। वो हमें एक दूसरे से बहुत दूर भेज देंगे, उन्हें फर्क थोड़ी पड़ता है। अब तो हम उनके लिए अनाथ बच्चे हैं। और मैं उनके बारे में क्या कंप्लेन करूँ? हमारी अपनी मॉम ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो स्प्री? मेरी बहन गुस्सा हो जाएगी। मेरी बात थी, मैं गैंग छोड़ रहा हूँ। छोड़ रहे हो? तुम मुझे अपना भाई मानते हो ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन तो तुम क्या इस बैग को संभाल के रखोगे? हाँ लेकिन इसमें क्या है? वो छोड़ो और देखना भी मत, समझे? हाँ ठीक है स्प्री, लेकिन हम तो रात को ही निकल रहे। कहाँ? मुझे नहीं पता, टाउन से कहीं बाहर। परफेक्ट। कुछ खाओगे ब्रो? नहीं, बाद में बोलेगा, भूख लगी। ठीक है, तो तुम जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पहुँच कर मुझे कॉल करना। पर मुझे पता नहीं मैं कब। उसकी फिक्र मत करो, ठीक है? बस मुझे कॉल करना। अच्छा ठीक है। हे केरा, तुम अंदर कैसे आए? मैं वहाँ से। तुम खिड़की से मेरे घर में घुस आए? बस उसे गुड बाय कहने आया था। निकलो यहाँ से। ठीक है चला जाऊंगा। अभी निकलो। गुड बाय किस तो दे दो। मेरे भाई के पास भी मत आना। कहा था ना मॉम कार की ई एम आई नहीं थी। अब हम क्या करेंगे? चुप जाओ। यहाँ से चलो ब्रॉक। रुको एक मिनट, अब आएगा असली मजा। क्या कर रहे हो तुम? तुम यहाँ से निकालना चाहती हो या नहीं? जल्दी बैठो। उधर जा। क्या बात है, तुम तो बहुत ही हिम्मत वाली निकली, कमाल हो गया। ये सब देखकर आंखों में आंसू आ रहे होंगे। हम चोरी कर रहे हैं बॉक्स। ओह वाह, ये कहां से आ गया? देखो तो सामने कौन है। अरे वाह, जल्दी में हो करा? क्यों रास्ते से हट जाओ? मुझसे दूर क्यों भागती हो? हमेशा अकड़ती क्यों? यो ब्रॉक, कैसा है तू? बढ़िया है। गैंग का बैच किधर है? सामान में पैक कर दिया है। वो तेरी पहचान है, तुझे पहन के घूमना चाहिए। अपनी खटारा सामने से हटाओ। तुम कहीं जा रही हो? कब तक लौटेंगी? जब तुम यहाँ से दफा हो जाओगे। ए, तुमने स्प्री को देखा? नहीं है। सच बोल रहा है ना? क्योंकि वो अचानक ही कहीं गायब हो गया, उससे बात करनी है, जरूरी बात। अपना हाथ दूर रखो। हमेशा करती रहती हूँ, अपने चाहने वालों से ऐसे बात नहीं करते, खासकर तुम्हारी जैसी लड़कियाँ। गुस्सा तुम पर सूट नहीं करता। छुओ मत। ए, जो मेरे मन में आता है मैं वही करता हूँ, अब तुम मेरे इलाके में, समझी? इसे तो मैं। ए, नहीं नहीं, शांत हो जा। अब तो बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? यूटा। यूटा? यूटा क्यों जा रहे हैं? रिश्तेदार के पास। तुम
तुमने तो कहा था हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। हाँ मैंने कहा था, क्योंकि ये डैड की फैमिली से है। डैड की फैमिली वाले? मैंने आखिरी बार उन्हें तब देखा था जब मैं 5 साल की थी। तुम बकवास कर रही हो, वो कमीने। ड्रॉप, मैंने कहा है ना गालियाँ नहीं। बस मिलने जा रहे हैं, रहने नहीं जा रहे हैं। क्या पता वो मदद कर दे हमारी। हमारी मदद कैसे करेंगे, और वैसे भी तुम हमेशा गालियाँ देती रहती हो। बंद कर दिया। अच्छा वो कब से? जब से तुम मेरी जिम्मेदारी बन गए हो। तुमने गाली दी? नहीं दी। झूठ पर नहीं दी मैंने। वो हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? मैं उन्हें जानता तक नहीं। हम उनसे कभी मिलने क्यों नहीं गए? क्योंकि मॉम उन्हें पसंद नहीं करती थी। वो मॉर्मन्स हैं। अजीब है। देखो उनके अलावा हमारा कोई नहीं है। जब तक मैं कोई और प्लान बनाती हूँ हमें उनके साथ रहना होगा। और तुमने वहाँ बदतमीजी की तो देख लेना। मैं? तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ करूँगा? क्या हम पहुंच गए? हाँ पहुंच गए। इतना छोटा डाउन मैं पहली बार देख रहा हूँ। लगता है यहाँ सिर्फ बूढ़े रहते हैं। हम गलत जगह? नहीं यही जगह है। वायलिन लटका है। क्या क्या अब क्या हुआ? पता नहीं। क्या हुआ? मुझे लगा मैंने वहाँ कुछ देखा। क्या देखा? पता नहीं। टाइगर होगा? नहीं भालू होगा। ओह मैं तो भूल ही गया, भालू तो कैलिफोर्निया में होता है। मैं कह रहा हूँ मैं आपकी नीस हूँ। कह रहा? यकीन नहीं होता। ओह गॉड, कह रहा? मॉम की नीस यानी वो मेरी कजिन है। तेरा बैड लक ही खराब है। वो मॉम को जॉब मिल गई है फ्लोरिडा में, इसलिए ब्रोकर मैं अब उनके पास जा रहे हैं। तुम दोनों अकेले सफर कर रहे हो? हाँ क्यों, हम अक्सर ऐसा करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है तुम कुछ दिन लेट हो जाओगे। कल तुम्हारी कार चेक करेगा, अगर उसने ठीक कर दी तो हम सब टाउन चलेंगे। अगर मैं ठीक नहीं कर सकता तो कोई ठीक नहीं कर सकता। मॉम के पास तुम्हें कब पहुँचना है? कुछ हफ्तों में। हाँ कुछ हफ्ते। कुछ हफ्तों में? सॉरी हफ्ते नहीं कुछ दिन।
कुछ दिन। ओह अच्छा, तो आज रात तुम यही रुक जाओ ना। स्कारलेट यान, तुम दोनों जाकर इनका सामान ले आओ। मुझे पहचाना, मैं नताशा। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? और मुझे शेरलिन। शेरलिन, पिछली बार तुम्हें देखा था तब तुम बहुत छोटी थी। तुम दोनों कैरा को उसकी सोने का कमरा दिखा दो, मैं फार्म से तुम्हारे अंकल को बुलाकर ला दी। जैसा तुम बनाना ब्रेड का ध्यान रखना। कॉल चल सराया, बिल्ली को टेबल से नीचे उतारो। आओ बेटा, हम डैडी को लेकर आते हैं। मम्मी वहाँ पर। हाँ, वो टेबल से नीचे उतर जाएगी। कहाँ रखूँ इसे? ओ यहाँ रख दो, वो मेरे बेड पर सोएगी। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम सच में बहुत बड़े हो गए हो स्काइलर। हाँ तुम भी। अच्छा, मेरा एक दोस्त है जो तुमसे मिलके बहुत खुश होगा। एक्चुअली मेरे बहुत से दोस्त हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं, पर ओ केरा, यकीन नहीं होता तुम आई हो। यू आर ब्यूटीफुल। ऐसा कुछ नहीं है, तुम कितनी सिंपल हो। बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स होंगे। नहीं, कोई बॉयफ्रेंड। अच्छा, कैलिफोर्निया के बारे में हमें सब कुछ बताओ। किसी फिल्म स्टार को जानती हो? मैं सवाल पूछ रही हूँ ना, किसी मूवी स्टार को जानती हो? नहीं जानती हूँ। अहे, तुम अब भी डॉनी किड से बात करती हो? कौन किड? डॉनी, तुम्हारा इमेजिनरी फ्रेंड। ओह, मैं तुम्हारी ये बात कभी नहीं भूल पाई, तुम घंटों तक उससे बात करती थी। बचपना था, सच नहीं था। अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम उसे सच में देखती थी। डॉनी द किड की तरह? वो काउबॉय था? नहीं, वो एक बॉय था, एक मैजिकल बॉय, है ना केरा? ओह आई एम सॉरी केरा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि मैंने वो सब सोचना छोड़ दिया है। लोग इरिटेट हो जाते हैं। कुछ भी, मुझे वो सब अच्छा लगता था। काश मेरा भी कोई इमेजिनरी फ्रेंड होता जो मेरे साथ खेले, मुझे प्रोटेक्ट करे। ये अलग बात है, मुझे तो डर लगने लगा। क्या मतलब? किसे डर लगने लगा? बस वही अंधेरा कमरा, रात की आहटें, द विस्लर्स। विस्लर्स? शैलेन, बेकार की बातें मत करो। तुमने कभी सुना भी है जो तुम बोल रही हो? मैंने सुना है। झूठ बोल रही है, अभी तक किसी ने भी उन्हें नहीं सुना। नहीं नताशा, मुझे भी याद है, द विस्लर्स। कितने साल हो गए हैं। वाकई तुमने उन्हें कभी नहीं सुना? नहीं, बचपन से लेकर आज तक तो नहीं। मॉम नहीं चाहती कि हम उस बारे में बात करें। वो कहती है उससे छोटे बच्चे डर जाते हैं। वो कहती है ये सिर्फ खाली जगह से निकलती हवा की आवाज है, जैसे बांसुरी से निकलती है। ऐसा है तो फिर वो बंद क्यों हो गए? कोई नहीं जानता। तुमने सुना है उसे? कैसी आवाज थी? तुमने तो कहा था तुमने सुना है। हाँ सुना है, और वो असल में नहीं सुना है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था। कई बार रात को या फिर सुबह सुबह वो आवाज आती थी, फुसफुसाहट और गुनगुनाना। ग्रैंडपा ली कहते हैं जंगल में भूत रहते हैं। शैलिन चुप करो, अगले 5 मिनट में वो कहेगी इस घर में सब पागल हैं। मैं छोटी थी तो उसी जंगल में खेलने जाती थी, लगता जैसे वो कली की बात है। कमाल है, क्योंकि हम में से कोई वहाँ खेलने नहीं गया। पक्का तुम कभी किसी मूवी स्टार से नहीं मिली? तुम्हारे पास ये ड्रैगन कार्ड है? वो ओरिजिनल पैक में आया था, मेरी मॉम मेरे लिए लेकर आई। एक पैक और उसमें तुम्हें ये मिला? ये अच्छा नहीं है क्या? ओ नहीं नहीं, खास कुछ नहीं, मेरे पास इससे अच्छा वाला है। तुम चाहो तो बाद में हम एक्सचेंज कर सकते हैं। डैडी, डैडी, डैडी! ओ हेलो, मैं हूँ सराया। अरे हाँ सराया, मेरी नन्ही बेटी। Oh, I love you. I love you. I love you. I love you. Oh. मैं हूँ टेसा। टेसा, hello. Honey, ये ब्रॉक है। ब्रॉक मेरे बेटे, कैसे हो तुम? No, honey. ब्रॉक तुम्हारा नेफ्यू है। ये क्रिस का बेटा है। क्रिस और डेलिया का, याद है ना डेलिया, कैलिफोर्निया वाली? डेलिया? हाँ बिल्कुल। ये बनाना ब्रेड की खुशबू है ना? मैंने उसे ओवन में ही छोड़ दिया क्योंकि मैं उसे निकाल नहीं पाई। देखो केरा आई है डैड। ओह वेल, हेलो केरा। हेलो अंकल ड्रू। केरा ब्रॉक की बहन है, तुम्हारी नीज है। ओह ये तो अच्छी बात है, वेलकम। डिनर तो साथ में करोगी ना? दोनों हमारे साथ डिनर करेंगे, ये दोनों कुछ दिन यहाँ रहने वाले हैं। वेल फैंटास्टिक, मिकासा सुकासा, स्पेनिश में बोला, इसका मतलब जानती हो ना? हाँ जानती हूँ। इसका मतलब है कि इसे भी अपना ही घर समझो।
मुझे खुशी है कि तुम्हारी फैमिली ने चाइना छोड़ दिया। ये ऐसे क्यों हुआ ब्रो? आराम से सराया, आज तुम प्रे करो। ए ऊपर वाली, इस दिन के लिए थैंक्स, मेरी टॉल्स और खिलौनों के लिए भी थैंक्स। हमें खाना देने के लिए बोल रही हूँ। और ब्रॉक और उसका नाम क्या है? और केरा को हमारे घर बार बार भेजते रहना। काश मम्मी जैसा चाहती हम वैसे अच्छे बच्चे बने, उनकी कार ठीक हो जाए और हमें पता ना चले कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, और हमें खाना देने के लिए भी। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन। आमेन। सलाद की प्लेट देना प्लीज। थैंक यू। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है केरा, ये कैसे लोग हैं? उनके डैड को क्या हुआ है? अंकल ब्रो को चोट लग गई थी उसी साल जब मॉम डैड अलग हुए थे। मशीन शॉप में कोई एक्सीडेंट हुआ था, सिर पे रॉड गिर गई थी आई थिंक। तो क्या वो अब ज़ॉम्बी बन गए? पागल हो क्या? वो अब भी फार्म चलाते हैं, पीचेस, आमंड्स, वाटरमेलन। उनकी याददाश्त में गड़बड़ है। ये सब अजीब है, वो पागल है, सब पागल है, इस फैमिली में सारे लोग पागल है। करना है, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। उनका भरोसा नहीं, वो हमें फंसा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे भी हमारे पास अभी कोई रास्ता नहीं। मैं दूसरी कार चुनूंगा। अब ऐसा कभी नहीं करोगे, समझे? मुझे घर जाना है। कौन सा घर रॉक? अब वहाँ कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से हमें उनकी मॉम को फोन करना चाहिए। किसे? किसकी मॉम को कॉल करना? केरा और ब्रॉक की। बच्चों ने कहा उनकी मॉम के पास फोन नहीं है, वरना मैं जरूर बात कर लेती। अच्छा ऐसी बात है, तो आप क्या करोगी? पता नहीं, अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। मैं उन दोनों के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। अब भी तुम उसे दोषी मानती हो ना? हाँ मानती हूँ, डेलिया की ही गलती थी। मेरे भाई ने अपनी फैमिली को नहीं छोड़ा था, ये तुम जानते हो। पर कोरीन, हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। ये उसी ने किया था जो खुद नहीं किया तो उसने किसी से करवाया। वो कत्ल करके बच निकली, इतने साल हो गए। बहुत कुछ बदल चुका है। 10 साल पहले यहाँ जबरदस्त बाढ़ आई थी, उसके बाद सब थम गया। आप ग्रैंडपा ली है ना? हाँ। और तुम हो सकेरा, वो छोटी सी अल्लड़ बच्ची जो इन जंगलों में खेला करती थी। आपने मुझे डरा दिया। ये तो मेरी आदत है, तुम्हारी ग्रैंड मदर को भी मैं ऐसे ही डराया करता था। वो नहीं रही,
मैं यहाँ से गुजर रहा था तभी मैंने तुम्हें जंगल में जाते देखा और मुझे लगा कि तुम यहीं पर आओगी। पता है किसी ने मुझे सालों से सकेला नहीं बोला। ये नाम तुम्हारे डैड ने रखा था, लिटिल चेरी ब्लॉसम, जापनीज है शायद। तो आपको कैसे पता चला कि मैं यहीं आऊंगी? क्योंकि हर बार तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे ही भेजा जाता था और हर बार तुम मुझे यहीं पर मिलती थी। मैं कुछ पूछूं तो आप सच बताएंगे? आपने विस्लर्स को सुना? वो विस्लर्स की आवाजें, जंगलों में भटकने वाली वो सब परछाइयां, मुर्दों की आत्माएं और उनकी आवाजें। कुछ साल पहले आई बाढ़ ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मैं कुछ समझी नहीं ग्रैंडपा। वो इसलिए क्योंकि मैं बातों को ज्यादा से ज्यादा डरावनी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। डर लग रहा है ना? मुझे याद है जब मैं बचपन में यहाँ घंटों बैठा करती थी, आप वायलेंस बनाते थे या लकड़ी की वार्निश के लिए अपनी सीक्रेट रेसिपीज मिक्स करते थे। एम्बर वार्निश याद है आपको? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मेरा मास्टरपीस मैंने बनाया है, इसके कदरदारों को बहुत गर्व होगा। वनेरी अमादी, यहाँ तक कि बूढ़े स्ट्राडिवेरियस को भी, ये उनका वारिश है। 300 सालों तक दुनिया से छिपा रहा। इसका राज जानना चाहती हो क्या? यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो। होलीनेस टू द लॉर्ड। अब मैं तुम्हें इसे बजा कर सुनाता हूँ। प्यारी धुन मैंने कभी नहीं सुनी। ज्यादातर लोग इसे बस एक मामूली वायलिन समझेंगे, लेकिन तुमने इसे सुना। तुम्हारे पास हुनर है, हमेशा से था, तुम छोटी थी तब भी था। तुम आवाजें सुन सकती हो, चीजों को महसूस करती हो, और यही वो हुनर है जो तुम्हें उन जंगलों में लाया। आपको लगता है कि मेरा यही हुनर मुझे वहाँ खींच ले जाता है? ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है, ये प्राचीन जगह है। एलियंस ये जानते थे, मैं छोटा था तब वो प्रार्थना करने आते थे। हाँ, मैं नहीं बता सकता, शायद इसकी वजह होगी कि यहाँ पर भूकंप बहुत आते थे या फिर कुछ और बातें होंगी, लेकिन उसकी वजह यही पर मौजूद है। हर चीज की वजह जो इस कॉन्टिनेंट पर हुई, हिस्ट्री, आवाजें। पैगंबरों ने कहा है कि पहले यहाँ कभी संत लोग रहा करते थे। तुम भी ये महसूस कर सकती हो, है ना? तुम्हें उनकी मौजूदगी का एहसास होता है, उनकी आवाजें सुनाई देती हैं, और कई बार मुझे भी सुनाई देती हैं। अब मुझे चलना चाहिए, हॉट चॉकलेट अच्छी थी और वो धुन भी। कई बार मुझे भी महसूस होता है, शायद सठिया गया हूं मैं। वो या नहीं है? कहां जा रहा है स्त्री? लौट कर कहां है? अब तू हिट से बात कर। Hey, चल बोल मार का। कौन सा मार? तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे बेवकूफ समझ रहा है क्या? बन रहा तू? बोल। बस बहुत हुआ, अब तू मेरे किसी काम का नहीं। रुको 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 रुक जा। मैंने उस बच्चे को दे दिया है, उस बच्चे के पास है। मुझे नहीं पता वो कहाँ बच्चा नहीं है। वो टाउन से चला गया है, कभी भी वो मुझे फोन कर सकता है। अब फोन करेगा बता? कभी भी।
हिच 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 मेरी बात सुनो हिच। तुम्हें नए ऑल्टरनेटर्स और एक नया कार्बोरेटर लगाना होगा। शायद एक रेस्पिरेटर भी। महंगा होता है क्या? हेलो मिसेस विटमैन। जी हाँ। मेरा नाम कार्सन पॉल्सन है और मैं कैलिफोर्निया वेलफेयर एंड फैमिली सर्विसेज से बोल रहा हूँ। हम आपके नीस और नेफ्यू केरा और रॉक मैकोनल को ढूंढ रहे हैं। आपका नाम उनकी लिस्ट में नहीं था लेकिन हमें पता चला कि क्या वो मुसीबत में है। हाँ ऐसा ही कुछ है। उन्होंने एक कार चुराई है मिसेस विटमैन और वो हमारी कस्टडी से भाग गए हैं। उनके नाम का वारंट निकला है। मैं मानता हूँ कि अपनी मॉम के मरने के बाद दोनों बच्चे बहुत परेशान हैं लेकिन उन पर संगीन आरोप हैं। चेलिया मर गई? हाँ मुझे अफसोस है। मुझे लगा कि आपको पता होगा। दोनों बच्चे स्टेट कस्टडी में थे और उम्मीद करता हूँ कि वो एकदम ठीक होंगे। आपको उनके बारे में कुछ पता है? मुझे जाना होगा। अच्छा लग रहा है। तुम्हें अपना बचपन खुलकर जीने का मौका नहीं मिला होगा ना कैरा? मुझे कोई अफसोस नहीं है, बस अब पुरानी बात हो गई। जो हो गया सो हो गया। लेकिन चीजें अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं। हम कहते हैं ना, जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। मैं ये सब नहीं मानती। किसी पर तो तुम्हें भरोसा करना ही होगा ना। पर डैड भी तो एक मोमेंट है ना। केरा तुमसे काफी कुछ कहा गया होगा लेकिन तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते थे। आपके कोई नौकरी ढूंढ देंगे। मैं किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ। हाँ बिल्कुल। फ्लोरिडा का क्या होगा? मॉम को सेटल होने में टाइम लगेगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो केरा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी जैसे जैसे भी हो सकेगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, जरूर दूंगी। रोका ऊपर है। तो तुम तो साथ खेल रहे थे ना? खेल रहे थे। वो मेरे सारे कार्ड्स जीत गया। सारे के सारे? मेरे सारे कार्ड्स जो मुझे पसंद थे वो सब जीत गया। अभी जाकर वापस करो। क्या वापस करूं? तुम्हें पता है मैं क्या कह रही हूँ। वो भोला है तो उसका फायदा मत उठाओ। ओ, मैं वैसे भी उसे वापस करने वाला था। ये लो बस इतने ही कार्ड्स हैं? हाँ फिलहाल यही है। सच बताओ कार्ड्स पूरे हैं या नहीं? चलो इनमें थोड़े मेरे कार्ड्स भी डाल देता हूँ। ये पूरे हैं या नहीं? देखो मैंने उसे हरा कर कार्ड्स जीते हैं। एक रखने का तो मेरा हक बनता है। ये तुमने क्या किया? इसकी जगह तुम उसे अपना कार्ड दोगे। जो भी उसे पसंद आएगा वो। तुम बुरी हो, तुम बहुत बुरी हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप का केंद्र लीड्स यूटा के नॉर्थ ईस्ट में था। सेंट जॉर्ज से 24 किलोमीटर नॉर्थ में। किसी नुकसान की खबर नहीं है और ये पहली बार है जब इतने समय बाद यहाँ कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। रिक्टर स्केल पर 4.9 मापी गई है। 4.9? ये तो कुछ भी नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। जैसे हमारे घर के नीचे शुरू हुआ भूकंप। यकीन नहीं हो रहा। जगहों पर बिजली ठप होने की भी खबर मिल रही है।
Whiskers. देखो मैं तुमसे दोबारा नहीं कहूंगी, मैं जाकर पुलिस को बुला रही हूँ। मेरे पास आए तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। तुमने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हैं? तुमने अपने कपड़े देखे हैं? नाम क्या है तुम्हारा? किस कबीले से हो तुम? रुको, मैं चली जाती हूँ। ओके, तुम्हें यहाँ रहकर जो करना है करो। और तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं? तुम उनमें से एक हो ना? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कैसी एजेंट हो? एक औरत को जासूस बनाकर भेजा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तो बताओ तुम किस कबीले से हो? क्या नाम है तुम्हारा? सकेरा। सकेरा? मुझे पहचाना? मैं किडोनी हूँ। फिक्र मत कीजिए, रात वो आ गई है। केरा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ करीन, अभी आती हूँ। ठीक है, नाश्ता तैयार है। अंडे, भूकंप से एक भी अंडा नहीं फूटा। मैं अभी आती हूँ। सिर्फ सिल्वर रीफ में थोड़ा नुकसान हुआ है, जहां एक घर के ड्राइववे में नई दरार आ गई है।
सुबह उठने पर मैंने उनकी आवाज सुनी, मुझे ही क्यों वो सुनाई देते हैं? कह रहा तुमने सुनी थी विस्लेस की आवाज? करो, पहले ही कल रात के भूकंप की वजह से सबकी हालत खराब है। आखिर कहाँ थी तुम? टहलने गई थी। अंकल जू के काम पर जाने के समय तुम यहाँ नहीं थी तो मैं परेशान हो गई। सॉरी, क्या तुमने ड्राइव वे पे दरार देखी? पता नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने, लेकिन जंगल में एक जगह जमीन पर बहुत बड़ी दरार थी। देखो कौन है। आ जा मेरी नन्ही सी बिटिया, मैं देखना चाहता था कि सब लोग ठीक ठाक तो है ना? ठीक है, आपने नाश्ता कर लिया? राइट, नहीं यही करूँगा। हे ग्रैंडपा, जो लॉजी के लोग आने वाले हैं, उन्हें लगता है भूकंप का केंद्र हमारे जंगल के बीच में है। वो इस इलाके का मुआयना करने आए। तुम्हें कैसे पता? आधे घंटे पहले ही उनका फोन आया था। मैं अभी आई। नाश्ता तो कर लो। आई एम सॉरी, मुझे भूख नहीं है, जल्दी लौट आऊंगी। तुम वापस आ गई। सच बताओ, तुम ही सकेरा हो, है ना? बहुत बड़ी हो गई हो। जब तुम चली गई मैं यहां पर कई बार आया। क्यों? तुमने यहां आना क्यों छोड़ दिया? मैं यहाँ नहीं थी, कैलिफोर्निया में थी। मैंने यही तुम्हारा इंतजार किया, जंगल में इसी जगह पर, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन मैं तुमसे फिर मिलूंगा। यकीन नहीं हो रहा, सच में तुम मेरे सामने हो। मुझे लगा था कि तुम मेरा वहम हो। मेरे पिता कहते थे तुम कोई बुरी आत्मा हो, लेकिन मैंने उनसे कह दिया सिर्फ एक परी ही इतनी दयालु और खूबसूरत। ऐसी बातें मत करो, मैं कोई परिवारी नहीं हूँ। और तुम, यकीन नहीं हो रहा कि तुम सामने खड़े हो। बचपन में तुम मेरे लिए सब कुछ थे, मेरे दोस्त, जंगलों में रहने वाला सीक्रेट फ्रेंड, मेरा इकलौता फ्रेंड। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जब हम बच्चे थे मैंने कभी नहीं पूछा, लेकिन आज पूछना चाहती हूँ, तुम क्या हो गिडोनी? मैं एक नीफाइट हूँ, कैप्टन गिड गिडोनाई की सेना का एक योद्धा। मैं इस इलाके में दुश्मनों के जासूसों पर नजर रखता हूँ। दुश्मन के जासूस? वो लुटेरे हैं, कैडियंटन के। वो इन पहाड़ों और जंगलों में दीमक की तरह फैले हुए हैं। वो एक मुसीबत है। मेरे राज्य के लोगों ने ज़ारा हमला में अपने बचाव के लिए सारा ज़ारा हमला में हमारी राजधानी। अब ये मत कहना तुमने हमारी महान राजधानी के बारे। तुम परी नहीं तो और क्या हो? लड़की हूँ, एक आम लड़की। ये अमेरिका है, यूटा। वहाँ लीड्स नाम का एक छोटा सा टाउन है। उस तरफ कोई शहर नहीं है, वहाँ सिर्फ पहाड़, जंगल और समुद्र है। वहाँ कोई जंगल नहीं है। कहाँ? यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। हम दोनों एक ही जगह पर खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जमीन का ये हिस्सा तुम्हारे और मेरे लिए एक जैसा नहीं है। कैसे? ये ज़ारा हमला का एक जंगल है। ज़ारा हमला म्यूलिक के वंशज, जो ओल्ड जेरूसलम के राजा ज़ेडकिय्याह के बेटे थे, जिन्होंने फादर लिहाई की तरह सात समंदर पार किए। और क्या कहा? ओल्ड जेरूसलम? तुम सब इज़राइल से आए थे? हाँ। तुम अतीत से आए हो? कहाँ से? अतीत से, उस वक्त से जिसको गुजरे हुए शायद हजारों साल हो चुके हैं। ये क्या बकवास है? मैं अतीत से क्यों आऊंगा? शायद तुम अतीत से आई। नहीं, सॉरी। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? तुम्हारी बातों से। और जेरूसलम, ज़ारा हमला, तुम्हारे लोगों ने समुद्र का पार किया 600 साल पहले।
यानी कि वो साल हुआ 19वें साल का छठा महीना जब से जीसस द मसाया के जन्म का निशान दिया गया। क्या? तुमने जीसस का नाम नहीं सुना है? सुना है पर जिस तरह से तुम कह रहे हो। किरानी डरो मत, तो मेरा भाई है। उसे ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए वरना पूरे जंगल में कैडियंट्स नजर आएंगे। मैं उसे कह दूंगी यहाँ कुछ लोग आने वाले हैं, मैं तुम्हें सावधान करने आई थी। कैडियंट्स? जियोलॉजिस्ट, मेरी दुनिया के लोग। खैर छोड़ो, बस कुछ देर के लिए यहाँ से दूर चले जाना। ओके, मैं अपने इलाके को नहीं छोड़ सकता, अगर ऐसा किया तो मेरा सिर कलम कर दिया जाएगा। तो छिप जाओ, अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो घर पर मुझे जाना होगा। रुको, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं फंस गया हूँ, तुम किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं, वही रुको, मैं उस तरफ आ रही हूँ। मैंने कुछ सुना था, ठीक है? तुम्हारा वहम है। सच में तुमने किसी को देखा था कहना? जैसे ग्रैंडपा कह रहे थे। वहाँ कोई नहीं होगे, कोई और काम नहीं है तुम लोगों के पास? ग्रैंडपा, नेफाइट क्या होता है? नेफाइट का कोई वंशज? ये कबीला था जो कभी प्राचीन अमेरिका में रहता था। तुमने ये नाम कहाँ से सुना? पता नहीं, याद नहीं है ठीक से, टीवी पे सुना होगा शायद। नेफाइट जो थे वो बड़े ताकतवर थे, उन्होंने शहर, जहाज, मंदिर बनाए और उनकी सभ्यता हजारों सालों तक टिकी रही। फिर क्या हुआ उनका? वो खत्म हो गए। किसने किया खत्म? लेमनाइट्स ने, लेमन के वंशजों ने। नेफाई और लेमन दोनों भाई थे, लेकिन वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए और फिर ये दुश्मन उनके बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते चले गए। वो कहाँ रहते थे? पक्का नहीं पता, यहीं के आसपास ज्यादातर लोगों को लगता है कि सेंट्रल या साउथ अमेरिका में। लेकिन यहाँ नहीं ना? मतलब यूटा में? शायद उनमें से कुछ रहते होंगे लेकिन पक्का नहीं पता। यहाँ कभी जंगल हुआ करते थे? शायद 6.5 करोड़ साल पहले। मैंने कभी इन कबीलों के बारे में क्यों नहीं सुना? जनरल अथॉरिटी एडिशन 1888। इस किताब में सारी बातों को बहुत बारीकी से लिखा गया है, ध्यान से पढ़ोगी तो सब समझ में आ जाएगा। माफ करना, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें छू सकती हूँ, कुछ समझ नहीं आया मुझे। बिल्कुल पहले जैसा, कभी कभी मैं तुम्हें छू पाता था और कभी कभी नहीं। वो दरार जरूर बढ़ रही है, उसका असर तेज हो रहा है। लगता तो है, लेकिन अब अगर दोबारा भूकंप आया तो वो शायद ना बचे। ये क्या है? किताब है, शायद तुम्हारे बारे में है। मेरे बारे में? तुम्हारे लोग। मैं पढ़ नहीं पा रहा, ये कौन सी भाषा है? वही जो तुम बोल रहे हो। मेरी भाषा हमारे पूर्वजों की है। तुम हिंदी में बात कर रहे हो, कम से कम मुझे सुनाई तो वही दे रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ चलो। अब मुझे बताओ वो जगह कौन सी है? रुक जाओ, तुम्हें देख लेंगे। वो कल तो यहाँ नहीं थी। वो मेरी आंट का फार्म हाउस है, कहा था ना दरार चौड़ी हुई है। सोच रहा हूँ उस पर हमला कर लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रास्ते के बीच में है, आक्रमण होने वाला है। क्या कह रहे हो? छोड़ो भी,
कोई भी मेरा यकीन नहीं करता। रुको, तुम्हें बस वही देखा? वो सारे घर नहीं दिखते? मेरे अंकल का फार्म। मुझे गिडियन की पहाड़ियाँ दिखती हैं। हाँ, माउंट्स की जंगल देखते हैं। और उस तरफ जंगल ही जंगल है, और उसके पार है जरा हमला का महान शहर। रुको, तुम छोर पर खड़े हो, दरार की छोर पर। दरार अब पूरी घाटी में फैल चुकी होगी। चलो वापस चले। मुझे याद है जब तुम छोटी थी हमेशा उदास रहती थी, क्यों? वो वक्त बहुत बुरा था। मेरे पेरेंट्स का तलाक हो गया था, फिर डैड छोड़कर चले गए। चले गए? छोड़ो वो बात। मैं समझ सकता हूँ, मेरे माँ बाप भी अब नहीं रहे। जिन लोगों ने उनका कत्ल किया अब वो मेरे कबीले को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं उनका सामना करूंगा। उनका नामो निशान मिटाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। वाह, काफी लंबी चौड़ी प्लानिंग है। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मुझे बस ये लगता है कि किसी से इतनी नफरत क्यों करनी है। नफरत नहीं, ये जिंदा रहने की लड़ाई है। पता है, उन लोगों को मारने से तुम्हारे माँ बाप वापस नहीं आएंगे। कुछ नहीं बदलने कुछ वाला। कुछ ना करना कायरता है। मैं सब कुछ बदलूंगा, मैं अपने लोगों को बचाऊंगा। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं वाह, मेरा ये मतलब है कि कुछ भी टिकता नहीं है, वो भी नहीं जो तुम्हारे लिए खास है। लाइफ ऐसी होती है। ऐसा जीना क्या जीना है? तुम्हें किसी पर यकीन नहीं? सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। हम ये क्या बातें कर रहे हैं? ये सब एक वहम है, तुम असली नहीं हो। एक पल में सब गायब हो सकता है। लेकिन अब वो वापस आ गया है, हम साथ में हैं। मैं ये मान नहीं सकती, मुझे जाना होगा। तुम छिप जाना। लेकिन तुम वापस आओगी ना? शायद आऊंगी। देखा, तुम्हें मुझ पर थोड़ा तो भरोसा हुआ। ये वाला है, ये तो कार्टून है लेकिन कितना अच्छा है। ओह यस, ये देखो, मुझे ये बहुत पसंद है। वो बड़ों के लिए है। तो क्या हुआ, हम किसी और चीज का टिकट लेके बाद में बदल देंगे। ना, माम को पता चला तो मेरी हड्डियाँ तोड़ देंगी। ठीक है छोड़ो, चलो इसे देखते हैं। ये तो यूए सर्टिफाइड है। तो मैं 13 साल का नहीं हूँ। मजाक कर रहे हो? मेरी मॉम कहती है इस तरह की मूवीज मुझे कभी नहीं देखनी चाहिए। ये तो हद हो गई, मुझे कोई मूवी नहीं देखनी। और मसीहा के यहाँ आने के बाद मेरे लोगों को उसके जन्म की निशानियाँ मिल जाएंगी, और उसकी मौत और फिर से जिंदा होने की भी। और वो दिन शैतान के लिए बहुत विनाशकारी होगा। मुझे स्पीड से बात करनी है। मैं ब्रॉक हूँ, वो समझ जाएगा। उससे कहना मुझे यहाँ से ले जाए फौरन। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें रास्ता समझाता हूँ, ठीक है? सुनो, मैं तुम्हें आखिरी दिनों की भविष्यवाणी दे रहा हूँ। स्काइलर, तुमने किचन से मेरी साफ टास्क दी है क्या?
जिनके धागे निकल रहे हैं? हाँ हाँ, वो यहीं पर है। फौरन उन्हें यहाँ लेकर आओ, साबुन से धोकर लाना, ठीक है? हद हो गई। और कई सारे सीक्रेट कॉम्बिनेशंस भी थे, जैसे पुराने समय में होते थे। शैतान के जितने रूप होते हैं उनके मुताबिक, क्योंकि वो इन सब चीजों की बुनियाद है। चल जल्दी कर। कत्ल और बुरे कामों की जड़ है। अगले हफ्ते से तुम ही मेरे किचन के सारे गंदे टाइल्स को अपने हाथों से रगड़ रगड़ कर साफ करोगे। और वो उन्हें एक डोर के सहारे रोशनी में ले गया। और अब तुम जाकर टेबल भी साफ करोगे। मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तुम लोगों को पता है घर में कितने काम होते हैं। मैं अपने शूज निकाल कर यहाँ सोफे पर बैठकर, जब तक उसने उन्हें अपनी मजबूत डोरियों से बांध नहीं दिया हमेशा के लिए। आदमी का चेहरा खून जैसा लाल था और उसने स्कल के शेप का हेलमेट पहना हुआ था। गैडियंटन का जासूस। पर तुम्हारे दुश्मन तो लैमिनाइट्स थे ना? हाँ मैंने कहा था, लेकिन गैडियंटन लैमिनाइट्स भी हो सकते हैं, नीफाइट्स भी। ये एक खुफिया समाज है। इस समाज में तांत्रिक और कातिल होते हैं। अपने जुर्म को छिपाना, किसी भी चीज से खतरा होने पर उसे खत्म कर देना, यही उनका काम है। तुम्हारे लोग ये सब नहीं समझेंगे। नहीं, हम समझते हैं, अनफॉर्चुनेटली। हमारी सरजमीं पर उनकी तादाद हद से ज्यादा बढ़ गई है। जो उनका साथ नहीं देते उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है। और अब गैडियंटन्स की सेना हमले की तैयारी कर रही है। हमले की? हाँ, हमला पहाड़ों की ओर से होगा, जैसा लैमिनाइट्स की सेना ने बहुत पहले किया था। लेकिन अगर तुमने जासूस को देखा है तो ये इस बात का सबूत है कि मैं सही था। उन्हें मेरा यकीन करना होगा। और तुम पूरे इलाके की रखवाली अकेले कर रहे हो? बिल्कुल है, और भी है। मैं उन्हें इससे बुला सकता हूँ, लेकिन इस घाटी की रखवाली मैं अकेला ही कर रहा हूँ। किसी को ये घाटी अहम नहीं लगती। यहाँ बहुत भीड़ है और ये कांटों से भरी हुई है, लेकिन वो नहीं समझते। यही तो इसका फायदा है। अगर मैं गिडियन हाय होता तो मैं उनका लीडर, अगर मैं गिडियन हाय होता तो मैं अपनी सेना को यहाँ से भेजता, इन पेड़ों में छिपते छिपते। हमला कब होगा? कुछ कहते हैं इस मौसम के ढलते ही, लेकिन उससे जल्दी हो सकता है। जरा हमला में इकट्ठा होने से पहले हमने अपनी फसलें जला दी। गैडियंटन्स मेहनत नहीं करते, इसलिए वो भूखे मर रहे हैं और वो कभी भी हमला कर सकते हैं। मुझे ये कैप्टन को बताना होगा। सकीरा, तुम्हें अपने परिवार को आगाह करना होगा। ये लो सकीरा, कोई मुसीबत आए तो पूरा जोर लगाकर इसे बचाना। दरार के उस पार के लोग इसे सुनेंगे और एक और चेतावनी देंगे, फिर दूसरे इसे बचाएंगे और इस तरह पूरी नेफाइट सेना चौकन्नी हो जाएगी। मैं जल्द वापस आऊंगा। ग्रैंडपा जी,
सही है। नहीं तो मार दूंगा। कौन है ये? पता नहीं, एक नीफाइट। नीफाइट जैसा दिखता है क्या? लगता है किसी सैनिक का बच्चा है। इसके लोग सावधान करने का काम करते हैं। क्या हो तुम? मैं क्या हो सकता हूँ? क्या तुम कोई भूत हो? शैतान के बच्चे हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? चल रहा था। वो कौन है? उससे तुम्हें क्या मतलब? गुलाम है, अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। तुमने उसके साथ क्या किया? वही जो तुम्हारे साथ। हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। गिजियानी कुछ ही समय में आने। चुप रहो लोकान, अपनी पहचान भूल गए हो क्या? नी होर्स की जबान में बात करो। मुझे माफ करना लॉर्ड कुश, मैं खुफिया जुबान में बात करूंगा। हमारी सेना कुछ ही घंटों में यहाँ से निकलने वाली है। इस गुलाम को हमने दोबारा पकड़ लिया, लेकिन नीफाइट का पहरेदार बच गया। हमें उसको मारना होगा जो चेतावनी दे सकता है। लेकिन नीफाइट अपनी चौकी बनाएंगे। लड़के ने हमें देख लिया है। मार दो इसे और इस गुलाम को भी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सेना के बारे में मैं चुप रहूंगा। जानते हो इसे कैसे समझ आ गया? ये शैतान है। तुमने नीहोर्स की भाषा कहाँ से सीखी? मुझे नहीं पता। सचाओ इसे और काट डालो। तुम किसी भूत को नहीं मार सकते। अभी बेवकूफी मत करो बकान। इसकी लाश यही पड़ी रही तो नीफाइट सब पता लगा लेंगे और हमारा हमला राज नहीं रहेगा। हमारी खुफिया भाषा जानता है। ये भी इस गुलाम की तरह है, भाषाओं का तांत्रिक। ये लड़का हमारी जासूसी करने आया है। गिडियन हाँ इसका फैसला करेंगे। ये गन उन्हीं की है ना? मेरे डैड की है ना ये गन? ग्रैंडपा ने कहा उस दिन आप डैड के साथ थे। सही कहा। लाइसेंस के बिना उसने बड़े हिरन को मार दिया था। हाँ जानता हूँ उसकी जिंदगी उलझी हुई थी, सभी की होती है, पर वो उस सब से परेशान होकर चला गया। किसी ने उन्हें ढूंढा नहीं? हम सब ने ढूंढा था पर उसका कुछ पता नहीं चला और न ही उस हिरन का। पर ग्रैंडपा आपने कहा था वो जंगल खास जगह है, प्राचीन जगह है। क्या पता डैड मुझे और बॉब को छोड़कर गए ही ना हो। शायद वो उस पार चले गए और वापस नहीं आ पाए। हो सकता है वो 12 साल से वहीं पर है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। मुझे पता है वो जंगल थोड़ा अजीब है। अजीब और गरीब चीजें होती रहती है। आपकी उम्मीद से ज्यादा अजीब। तो क्या तुम लोग इसी जंगल में रहते हो? आपका नाम क्या है? मैं कृष्ण। उससे बात मत करो। ये रास्ता सही नहीं। बिल्कुल सही रास्ता है, इसी रास्ते से तो आए थे। चलते रहो। ये सब क्या है? हम कहाँ आ गए हैं? कहाँ था मेरे गलत रास्ता है? तुम लोग रास्ता भूल गए? चुप रहो। भूत कहीं कहा? इसी ने सब किया है, इसी ने रास्ता बदला है। बताओ उनका है, तुमने हमारे साथ क्या किया? कुछ नहीं किया। समझ नहीं आता तुम लोग किसी नए डायमेंशन से आए हो। हमें गिडियानी और उसकी सेना को ढूंढना होगा। प्लीज। क्या कहा तुमने? यूटा। क्या कहा है इसने अभी? वहाँ नीचे क्या है? कुछ नहीं, लोग हैं, घर है। वहाँ गए हो? वहाँ खाना मिलेगा। हाँ हाँ वहाँ बहुत खाना है। फिर हमें वहाँ ले चलो। सुनने में ये अजीब लगेगा पर ये देखो, देखिए उस दरार के ऊपर ये एक बुलबुले जैसा है और फॉल्ट लाइन के दोनों तरफ एनर्जी फील्ड कई सैकड़ों फीट तक फैली है। यकीन नहीं होता। आपको मुझ पे यकीन? नहीं बिल्कुल, मैं यकीन करता हूँ। वो किस दौर में था वो नेफाइट? किडोनी। किडोनी साल के हिसाब से उसने क्या बताया था? वो लोग कब थे?
उसने कहा था कि मसीहा के जन्म के बाद की 19वीं सदी का छठा महीना। मामला दिलचस्प है। आपको लगता है डार आज भी जिंदा होंगे? कह नहीं सकता, मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर किडोनी की बात सही निकली तो, अगर वाकई इस तरफ कोई हमला होने वाला है और वो इस घर की तरफ भी चले आए तो? शांत हो जाओ, अभी हमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। उसने आज सुबह तुम्हें जाते ही देखा और कहा कि वो भी तुम्हारे पीछे पीछे जाएगा। केरा, केरा, वो रहे तेरी आइटम। सही बोला। हे ब्रो, मेरी जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, ये काम है खुद ही करूंगा तो अच्छा रहेगा। तू घर में घुस और वो बैग ढूंढ। चल भाई चलते हैं। सही है। वेलकम सर। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन से आए हो क्या? तो वो मेरा झूठा था। जिंदा खाना उठा सकते हो उठा दो। मुझे दो। अब चलो। तुम्हें पता है ये क्या है? कैसे चलती है? अरे इसे बैठा कर ले चलो। रुको, मेरे हाथ खोलो। वो बच्चा है, वो नहीं चलाता। हाँ नहीं रुको, वरना मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। बगान छोड़। चालाकी दिखाई तो गर्दन काट के हाथ में दे दूंगा। चलो चलो जल्दी करो चलो। जहाँ से हम आए हैं इसका भरोसा मत करो। इसे धोखा दिया है। मार दो इसे।
चलें। यहाँ हुआ क्या है? ये उनकी दुनिया नहीं है, वो यहाँ नहीं आ सकते। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ रास्ते अंदर जाने के हैं और कुछ बाहर निकलने के, और कुछ इस तरह सिर्फ खिड़कियाँ हैं। लेकिन हम पहले से नहीं बता सकते कि वो कितनी ताकतवर होगी, वो कब बदलेगी या कब गायब हो जाएगी। चलिए हमें दरार के पास जाना है। तो ये सच है, आप यहाँ रहते थे? मेरा मतलब है आज के वक्त में, है ना? तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? रॉक मैकॉनल। क्या क्या कहा तुमने? ब्रॉक मैकॉनल, मेरा घर पास में ही है। क्या कितने साल के हो तुम? 11। तुम्हारी एक बहन भी है? हाँ, केरा। सकेरा? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो। और वो छठा महीना था और वो दिन बहुत भयानक और मनहूस था जब वो लड़ाई के लिए आए और वो लुटेरों से घिर चुके थे। उन्होंने अपनी लंगोट के लिए मेमनों की खाल पहनी हुई थी और वो खून में सनी हुई थी और वो गिद्यानी की सेना है, देखने में बहुत खूंखार और भयंकर। छठवां महीना, 19वां साल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो रिच? तुम यहाँ पहुँचे कैसे? तेरे भाई ने बताया मुझे, उसके पास मेरी एक चीज है। उसके पास तुम्हारा कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। एक ब्राउन बैग है, हा? इतना बड़ा होगा, देखा है कहीं? हाँ देखा है, हमेशा भड़की रहती है। लकड़ी से मारोगी, घूसा मारोगी, पटक दोगी, उछल के मारोगी। उस बैग में क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, बस उसमें 2.5 लाख का माल है। पीछे रहो, हमारे साथ वापस चल। ओके, हम मजे करेंगे, वेगस जाएंगे, वहाँ अपना नसीब आजमाएंगे और पैसे कमाएंगे। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है क्या? कौन है? कोई नहीं, छोड़ो उसे, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं उन्हें नहीं समझा पाया सकेरा, मैंने उन्हें गडियन के जासूस के बारे में बताया। उन्हें लगता है गिडियन भाई अभी पहाड़ से हमला करेगा। और ब्रॉक में नहीं रहा तुम्हारा भाई। हाँ। नहीं। कहाँ है मेरा बैग? केरा, तेरा भाई कहाँ है? बोल। मुझे वापस जाने दो प्लीज। नहीं, बात सुन, अब तू कहीं भी नहीं जाएगी, समझी? अब पता तेरा भाई किधर है,
जल्दी, मुझे मेरा बैग चाहिए। लोबो, रुक जाओ, कहाँ भाग रही हो? तो बैठे रहो। ए चल बे, अंदर आजा, खातिरदारी करेंगे तेरी। ब्रॉक, मेरी बहन तुमसे बात करती थी ना? यकीन नहीं होता, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें गोली लगी है? ग्रैंडपा ली, हमें फौरन मदद चाहिए, हमें जल्दी से वापस जाना होगा, वहाँ एक जंगल है। एक बार में एक ही मदद हो पाएगी ना? मुझे क्या हुआ? तुम्हें गोली लगी है, लेकिन अच्छा हुआ कि गोली तुम्हारी ढाल में जाकर अटक गई। ये रही वो गोली, ऐसी चीज तुमने पहले कभी देखी नहीं होगी ना? तुम तो सच में निफाइट हो। सकेरा कहाँ है? सुनो, सकेरा को ले जाने वालों के पास गन्स है, बहुत गोलियां हैं। अब जाओ, मुझे उसे बचाना है। ठीक है, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। और कितना इंतजार करना है? जब तक ये बोलती रहे। अगर उसने हमें देख लिया हो तो, हमें आता देखकर वो भाग गया हो तो, हम अब से 10 मिनट में एक एक को मार देंगे। बाहर जाके देख। बाहर कौन है? ओए, कौन है वहां? हेलो, गोली चलाए बिना काम नहीं चल सकता क्या? इससे कार की शक्ल बिगड़ जाएगी यार। प्रिंस, लोबो, ये हो क्या रहा है? हाँ बोलो। अरे कोई यहां से जाना नहीं चाहिए, और तू मेरे साथ चलेगी। यही रुक, हिलना मत। मारा, बैग किधर है? बैग किधर है? बताएगा? मैंने वो जंगल में छुपाई है। चल यहाँ से, चल जल्दी करो, चल जल्दी, चल। अच्छा हुआ तूने झूठ नहीं बोला, वरना मैं तुझे भी वही गाड़ता जहाँ स्प्री को गाड़ा था। स्प्री को मार डाला? चल जल्दी बैग दे मुझे, चल। अब तू नहीं बचेगी। वो बहुत सारे, वो इसी तरफ आ रहे हैं। चेतावनी वाला हॉर्न कहाँ है? वो मेरे डैड हो सकते हैं। किडोरी, पहले बताओ वो हॉर्न कहाँ है? कहीं छोड़ दूँ आपको? नहीं शुक्रिया, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। पक्का ना? मतलब तुम्हें घर का रास्ता तो पता है ना? मेरे घर का? फिक्र मत करो। चुप कराओ, चुप कराओ इसे। नताशा, दीदी को ले लाओ मेरे पास। नहीं, वहीं बैठी रहो।
कौन है ऊपर? मैंने पूछा कौन है ऊपर? जहां हो वहीं रुक जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये ना मुझे मिल गया। ग्रैंडपा, वो आदमी कौन है? हमला हो रहा है। ए, क्या कर रहा है? दरवाजा खोल। ए, गाड़ी रोक। बच्चों वैन में जाकर बैठो। Let me go.
चलो जल्दी करो, वैन में बैठो, चलो मैं उसे लाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ, मैं ले आऊँगा। तुम जूस लाए हो? बर्नडेट, चलो चलो। नहीं, पापा। रोको उन्हें। पापा। जल्दी करो, जल्दी। इसको पकड़ो। चलो मुझे नहीं। अरे काम शुरू करो, क्या कर रही हो तुम? ये लोग हमें मार देंगे, जल्दी करो। और ये तुम क्या कर रही हो? आप वहाँ से भागे कैसे? लंबी कहानी है, वो सब बाद में बता दूंगा, पहले यहाँ से निकलना होगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। रुको, मैं इसे निकाल देता हूँ। जल्दी करो, वो आ रहे हैं। तुम जाओ, चलो पर जाओ। तुम जख्मी हो। मैं भाग सकता हूँ और हमारी सेना आ रही है। सकीरा, हमें यहाँ से जाना होगा। जाओ। वहीं रह गया डैड, उनके बीच में, कि डॉनी वहां अकेला है। पता है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, ब्रोकर में बहुत परेशानी में थे। शांत हो जाओ, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, अब हम साथ हैं, ये सबसे अच्छी बात है। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं, ये मेरा वादा है। खत्म हो गई वो दरार,
अब नहीं रही। सकेला मेरी बेटी, चलो घर चले। तुम ठीक हो ना? हम लड़ाई जीत गए, गिडियन हाई मारा गया, और ये सब तुमने किया? नहीं, ये सब तुमने किया है। तुम्हारे पिता और भाई? वो ठीक है, वो लोग यही हैं। क्या तुम उन्हें देख सकते हो? नहीं। दरार धुंधली हो गई है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा के लिए वो धुंधली नहीं रहेगी। मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। I love you. Please, मत जाओ। चिंता मत करो, कुछ समय की बात है, मुझ पर भरोसा है ना? बिल्कुल हाँ। तो फिर मेरी बात मानो, मैं अपना वादा निभाऊंगा। I love you too, Sakera. लेकिन अब मैं क्या करूंगी? मेरे बारे में पढ़ो, उस किताब में मेरे लोगों के बारे में पढ़ो, मसीहा के बारे में। हम फिर मिलेंगे, हम फिर जरूर मिलेंगे। मैं जानती हूं, मुझे यकीन है। अलविदा मेरी नन्ही परी। My shining hopes slowly fade away, but it's okay with me.
is gone. So long I wondered why love's fortune left me alone. Now it's okay with me. It's okay with me. The pain has helped me see. Nothing worries me. The truth has set me free. It's okay with me. Finally, 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 finally found me. Found me. Finally, you found me and took my breath away. Finally, finally found me. Found me. Forever surround me. Round me. Put your arms round me and hold me close today. Finally found me. Touch my sweetest cries. It was only in my sleep that I could see your eyes. That's okay with me. It's okay with me. The pain has helped me see. Nothing worries me. The truth has set me free. It's okay with me. Finally, 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 finally found me. Found me. Finally, you found me and took my breath away. Finally, finally found me. Found me. Forever surround me. Round me. Put your arms round me and hold me close today. Finally found me.